हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो पे बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स और मैथ्स के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ, प्रीवियस 5 ईयर्स के। ठीक है, केमिस्ट्री के अभी आपके अरेंज नहीं हो पाए, जैसे आपके अरेंज हो गए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पेपर्स देख लेते हैं कौन कौन से आपको पेपर्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो आपके सेमेस्टर वाले, लेकिन मैंने आपके जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला के यहाँ पर मैंने आपके पेपर अरेंज कर रखे। तो पहला आपके यहाँ पर फिजिकल ऑप्टिक्स का है, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, 2019 का पेपर है आपका ये। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका ईयरली में तो होगा ही, हो सकता है कि आपका ये अभी चेंज हो जाए क्योंकि आपका पहले का पैटर्न है, आपका नया पैटर्न थोड़ा चेंज आ रहा है। थर्ड सेमेस्टर का आपका यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का, ये भी आपका फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री भी अभी थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर का आपका जो चैप्टर है ये आपका वहाँ पर हो, फोर्थ सेमेस्टर में मिले, क्योंकि आपका 2017-18 का पेपर है, 2019 पर आपका नया पैटर्न आया था। ठीक है, सेमेस्टर वालों के लिए, ईयरली वालों को तो खैर सब सेम ही होगा। फिर क्या आपका यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का है, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म का। ठीक है, ये भी आपको सेकंड ईयर में पूरा मिलेगा, लेकिन अभी ये सेमेस्टर के हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर में मिलता है। ठीक है, अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा हीट ट्रांसफर ऑफ मैकेनिज्म का। फिर क्या आपके पास यहाँ पर फिजिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है, जो वेव ऑप्टिक्स है, अभी तो खैर आपका थर्ड सेमेस्टर पर वो चल रहा है आपका जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, और अगर हम बात करें आपका इस पर सेकेंड ईयर में बात करें तो आपका दोनों यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर क्या आपके पास फोर्थ सेमेस्टर का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये भी आपका फिजिक्स का है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, तो ये भी आपको यहाँ पर सेकंड ईयर में मिलेगा अगर हम ईयरली की बात करें तो। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिकल मेथड्स का पेपर आता है, मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये तो खैर आपका थर्ड सेमेस्टर का ही है, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर का आपका है। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर पर रियल एनालिसिस का पेपर है। ठीक है, अभी खैर आपका 2018 का पेपर है, तो 2019 अगर बात करें नए पैटर्न के हिसाब से तो आपका शायद ये थर्ड सेमेस्टर पर ये आपका चैप्टर होगा, रियल एनालिसिस की आपकी बुक होगी। ठीक है, फिर क्या आपके पास वेक्टर स्पेसेस मैट्राइसेस, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का है, 2018 का पेपर आपका ये। ठीक है, फिर क्या है आपके पास यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिक्स का पेपर है, मैकेनिक्स आपकी मैथ्स में भी आती है। फिर क्या आपके पास अभी शायद ये 2018 का पेपर है, तो 2019 के हिसाब से अगर बात करें पैटर्न के हिसाब से तो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर पर होगा सेमेस्टर वालों के लिए, ईयरली की बात करें तो ये आपका पूरा सेकेंड ईयर के अंदर ही आएगा। अच्छा, फिर क्या आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर का पेपर है आपका ये। ठीक है, मैथ्स का, तो ये आपको मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, 2017 और 2018 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें अभी आपके शायद एमसीक्यूज आ रखे, अभी तो खैर शायद अब नहीं आएंगे एमसीक्यूज, अभी आपको यहाँ पर मिल रखे एमसीक्यूज। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर एडवांस एलजेब्रा का पेपर, एडवांस एलजेब्रा या तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है मैथमेटिक्स का। फिर है आपके पास यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का पेपर है एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, थर्ड सेमेस्टर का आपका ये पेपर है। फिर आपके पास फोर्थ सेमेस्टर का रियल एनालिसिस, एक हमने पहले भी देखा था, शायद 2018 का पेपर था, ये आपका 2019 का पेपर है। ठीक है, तो इतने आपके पेपर हैं यहाँ पर, शायद आपके यहाँ पर 10 या 12 पेपर होंगे। ठीक है, प्रीवियस आपके जो फर्स्ट ईयर के थे वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए पीसीएम के, इसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स के मिल जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के मैं अरेंज कर दूंगा जैसे तैसे कभी ना कभी आपके बाद में। ठीक है, तो हमने अभी तो सेकंड ईयर के आपके सॉल्व करे नहीं है, फर्स्ट ईयर के हमने कुछ आपके सॉल्व कर दिए, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हम आपका थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है, तो अभी जल्दी पूरा होगा तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व यहाँ पर करेंगे। ठीक है, वैसे आपको इसमें मिल जाएगा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आपका यहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जितने भी आपके पेपर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आपके बीएससी सेकंड ईयर के फिजिक्स और मैथ्स के पेपर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।